हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सूर्या क्लासेस। आई एम सूर्यजीत मौर्य और हम लोग अपने इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं फुली टैक्सेबल अलाउंसेस। देखेंगे कि वह कौन कौन से अलाउंसेस होते हैं जो कि पूरी तरह से टैक्सेबल होते हैं इन द हैंड ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। हम लोगों ने स्टार्ट किया है इनकम अंडर द हेड सैलरी हेड का कंप्यूटेशन करना। तो आइए देखते हैं कि फुली टैक्सेबल अलाउंसेस में कौन कौन से अलाउंसेस आते हैं। तो यहाँ पहला पॉइंट में बताया गया है कि डियरनेस अलाउंसेस, एडिशनल डियरनेस अलाउंसेस या डियरनेस पे, यह सभी एक ही चीज होती है। डियरनेस अलाउंसेस या एडिशनल डियरनेस अलाउंसेस या डियरनेस पे क्या होता है कि कभी कभी एक जो इम्प्लॉय होता है वह जहाँ वर्क करता है वहां पर महंगाई अधिक होती है, ठीक है। तो उस महंगाई की वजह से उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा बर्डन पड़ता है, तो उसका एम्प्लॉयर क्या करता है, उसे कंपनसेट करने के लिए एक एडिशनल अमाउंट पे करता है एज ए डियरनेस अलाउंसेस, जो कि इम्प्लॉय के हेड में पूरी तरह से फुली टैक्सेबल होता है सैलरी हेड में। तो कहा गया है दिस इज ए वेरी कॉमन अलाउंसेस दिस डे ऑन अकाउंट ऑफ हाई प्राइस, यानी हाई प्राइस महंगाई की वजह से, किसकी वजह से, महंगाई, महंगाई की वजह से एक एक्स्ट्रा बर्डन पड़ता है इंप्लॉय के ऊपर, उसी को मीट आउट करने के लिए डियरनेस अलाउंसेस या डियरनेस एडिशनल डियरनेस अलाउंसेस या डियरनेस पे का पेमेंट किया जाता है। Sometimes additional dearness allowances is also given. Dearness additional dearness allowances जो दिया जाता है वो dearness allowances के अलावा दिया जाता है, ठीक है। यानी कभी कभी dearness allowances भी दिया जाता है और अगर महंगाई बढ़ जाती है तो additional dearness allowances का भी payment किया जाने लगता है employer के द्वारा। It is included in the income from salary and is taxable in full. Taxable in full, ठीक है, a fully taxable allowances होता है। Sometimes it is given under the terms of employment and sometime without it. कभी कभी जो ये dearness allowances दिया जाता है वो term और terms of employment के अनुसार दिया जाता है, और कभी कभी एक employer अपने employee को voluntary dearness allowances का payment कर देता है। कहा गया when it is given under the terms of employment it is included in the salary for purpose of determining the exemption limit of house rent allowances, recognized provident fund, gratuity and value of rent free house and is also taken into account for the purpose of retirement benefit। कहा गया जब dearness allowances का payment हम टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के अनुसार करते हैं तो उस डियरनेस अलाउंसेस को हम कंसीडर करते हैं सैलरी का कैलकुलेशन करते समय। क्या होता है कि जब हम हाउस रेंट अलाउंसेस का कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें सैलरी की मीनिंग हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी कि सैलरी क्या होगा। इसी तरह जब हम रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड का कंप्यूटेशन करेंगे उस समय सैलरी की आवश्यकता पड़ेगी, ग्रेजुटी के समय सैलरी की आवश्यकता पड़ेगी, वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस के समय हमको सैलरी की आवश्यकता पड़ेगी। तो उस समय हमें इस जो जो टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के आधार पर डियरनेस अलाउंसेस का पेमेंट किया गया होगा एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को, उस डियरनेस अलाउंसेस को हम कंसीडर करेंगे सैलरी का कंप्यूटेशन करते समय। एक और जो रिटायरमेंट के बाद बेनिफिट प्रोवाइड किया जाता है एम्प्लॉयर के द्वारा अपने एम्प्लॉय को, उस बेनिफिट के समय भी हम इस डियरनेस अलाउंसेस को कंसीडर करेंगे। कहा गया समटाइम्स डियरनेस अलाउंसेस इज गिवेन एज डियरनेस पे, इट मीन्स डैट इट बिगिन गिवेन अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अगर हमको अगर सपोज करिए डियरनेस पे दिया है क्वेश्चन में तो हम यह समझ लेते हैं कि यह टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के अंडर दिया गया है, ठीक है, डियरनेस पे। लेकिन कभी कभी डियरनेस अलाउंसेस लिखा है और लिखा है टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो भी हम समझ लेंगे यह टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के अंडर डियरनेस अलाउंसेस का पेमेंट किया जा रहा है। लेकिन अगर डियरनेस पे बस लिख दिया गया है और टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट साइलेंट हो गया है तो भी हम समझ जाएंगे कि यह टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के अंडर दिया जा रहा है और उसे रिटायरमेंट बेनिफिट में
रिटायरमेंट बेनिफिट के समय, ग्रेजुटी का कैलकुलेशन करते समय, हाउस रेंट अलाउंसेस का कैलकुलेशन करते समय उसे हम सैलरी की मीनिंग में कंसीडर कर लेंगे, आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सेकेंड पॉइंट बता रहा है फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस। एक फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस क्या होता है कि जो एक एम्प्लॉय है या एम्प्लॉय के कोई सी हाउसहोल्ड मेंबर वो क्या होते हैं, अगर वो बीमार हो जाते हैं तो उस पर एम्प्लॉय के ऊपर एक एक्स्ट्रा बर्डन पड़ जाता है। तो कहा गया उस बर्डन को मीट आउट करने के लिए एम्प्लॉयर क्या देता है अपने एम्प्लॉय को, फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस, फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस का पेमेंट पर मंथ करता रहता है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस जो होता है वो क्या होता है, फुली टैक्सेबल होता है इन द हैंड ऑफ एम्प्लॉय। टिफिन अलाउंसेस, टिफिन अलाउंसेस कहा गया इट इज गिवन फॉर लंच या रिफ्रेशमेंट टू द एम्प्लॉय, इट इज टैक्सेबल, यह भी टैक्सेबल अलाउंसेस होता है। सर्वेंट अलाउंसेस, सर्वेंट अलाउंसेस कहने का मतलब यह है कि एम्प्लॉय जो है अपने अपने यहाँ अपने घर पर क्या रखता है, गार्डनर रख सकता है या जो कुक होते हैं खाना बनाने के लिए उन्हें रख सकता है या फिर अदर होम सर्वेंट रख सकता है, तो उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा बर्डन आता है। तो कहा गया उस बर्डन को मीट आउट करने के लिए उसका एम्प्लॉयर उसे क्या पेमेंट करता है, सर्वेंट अलाउंसेस का पेमेंट करता है। तो कहा गया सर्वेंट अलाउंसेस को भी फुली टैक्सेबल अलाउंसेस की कैटेगरी में शामिल किया गया है। नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंसेस क्या होता है कि कभी कभी यह एम्प्लॉयर कहता है, एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय से कहता है कि आप प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करेंगे और उसके बदले में मैं आपको एक नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंसेस का पेमेंट करूंगा। तो यह जो अलाउंसेस होता है यह पूरी तरह से टैक्सेबल होता है। यहाँ पर लिखा गया है इट इज जनरली गिवेन टू दोज मेडिकल डॉक्टर्स who are in government service and they are banned, उनको बैन कर दिया जाता है, बैन कर दिया किया जाता है from doing, क्या करने से, private practice करने से मना कर दिया जाता है और उसके बदले में उन्हें non practicing allowances का payment किया जाता है, compensate किया जाता है, ठीक है, जो कि fully taxable होता है। इसी तरह हम बात करते हैं hilly area allowances, ठीक है, hill एरिया अलाउंसेस, इट इज गिवेन टू एम्प्लॉय वर्किंग इन हिली एरिया, जो कि बहुत दुर्लभ एरिया होते हैं, हिली एरिया होते हैं, वहां पर अगर कोई एम्प्लॉय वर्क कर रहा है तो कहा गया हिली एरिया ऑन अकाउंट ऑफ हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग, वहां पर जो होता है कॉस्ट ऑफ लिविंग जो होती है वो बहुत ही ज्यादा हाई होती है, तो उस हाई कॉस्ट को कंपनसेट करने के लिए क्या दिया जाता है, हिली एरिया अलाउंसेस का पेमेंट किया जाता है, जो कि फुली टैक्सेबल अलाउंसेस होता है इन द हैंड ऑफ एम्प्लॉय। इफ द प्लेस इज लोकेटेड एट लेस देन 1000 मीटर्स हाइट फ्रॉम द सी लेवल्स, ठीक है। और कहा गया इट इज फुली टैक्सेबल, यह फुली टैक्सेबल होगा, किस केस में फुली टैक्सेबल होगा, इफ द प्लेस जहां पर हाई हिली एरिया लोकेटेड है वह क्या है, लेस देन 1000 मीटर से कम है, उसकी ऊंचाई यहां पर सी हो गया, ठीक है, समुद्र, इसकी और हिली एरिया की ऊंचाई क्या है 1000 मीटर से अगर कम है तो वहां पर अगर हिली एरिया अलाउंसेस का पेमेंट किया गया होगा एम्प्लॉय को तो यह फुली टैक्सेबल होगा, ठीक है। अगर कहा गया अगर 1000 से अधिक ऊंचाई होगी तो कहा गया उसे हम कुछ एग्जेम्पशन देंगे जो कि हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ लेस देन वाला एक केस है, ठीक है, लेस देन, अगर लेस देन 1000 मीटर रहेगा कहाँ से, सी लेवल से, तो उसे हम क्या करेंगे, फुली टैक्सेबल अलाउंसेस मान लेंगे। वार्डन अलाउंसेस एंड प्रोक्टर अलाउंसेस, वार्डन क्या होता है कि जो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर होते हैं और जो यूनिवर्सिटी का हॉस्टल होता है, कभी कभी एक प्रोफेसर को वह तो उस यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है लेकिन साथ ही साथ उसे किसी हॉस्टल का वार्डन भी नियुक्त कर दिया जाता है, एज ए वार्डन भी अपॉइंटमेंट कर दिया जाता है और उसके बदले में उसे वार्डन अलाउंसेस का पेमेंट किया जाता है। तो कहा गया दिस अलाउंसेस आर गिवेन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर वर्किंग एज वार्डन ऑफ द हॉस्टल एंड और वर्किंग
as a proctor in the institution, these allowances are fully taxable in the hand of professor. Deputation allowances, when an employee is sent from his permanent place of service to some other place or institution or organization on deputation for a temporary period, he is given this allowance is fully taxable. क्या होता है कि कभी कभी एक employee अपने इस permanent place पर work करता है, ठीक है, work करता है, और कभी कभी इसे out of city भेज दिया जाता है, out of city दूसरे जगह कहीं कार्य करने के लिए कुछ temporary period के लिए भेज दिया जाता है, जिससे उसे क्या होती है, कठिनाई होती है, बहुत से ढेर सारी उसे problem हो सकती है, तो कहा गया उसे compensate करने के लिए उसे क्या दिया जाता है, deputation allowances का payment किया जाता है, जो कि fully taxable होता है in the hand of employee. Overtime allowances, overtime, OT, ठीक है, जिसे हम OT कहते हैं, overtime, यानि एक normal time की नॉर्मल टाइम से एक्स्ट्रा वर्क करना. अगर सपोज करिए अगर एक घंटे के एम्प्लॉई है जिसका नॉर्मल टाइम कितने है 8 घंटे वह वर्क कर सकता है एक 24 घंटे में, तो कहा गया जब यह 8 घंटे से अधिक, सपोज करिए वह 12 घंटे वर्क करता है तो ओवर टाइम यह हो गया 4 घंटे, तो ये 4 आवर जो हुआ ये ओवर टाइम ओटी, इसके बदले में उसे क्या दिया जाता है, ओवर टाइम अलाउंसेस का पेमेंट किया जाता है. तो कहा गया ओवर टाइम अलाउंसेस जो होता है एम्प्लॉय को रिसीव्ड होता है वह फुली टैक्सेबल अलाउंसेस होता है. When an employee works for extra hours over and above his normal hour, normal hour से अधिक वो जितना work करता है उसे हम क्या करते हैं, overtime कहते हैं. Off duty he is given overtime allowances, और उसके बदले में उसे क्या दिया जाता है, overtime allowances किया जाता है as extra wages, जो extra wages होती है, जैसे यहाँ suppose करिए ये क्या है कि जैसे ये 8 घंटे की अगर उसे वेजेस दिया जा रहा है 800 रुपये, ठीक है, तो 12 घंटे की उसको कितनी मिलेगी, एक्स्ट्रा 4 घंटे की 400 रुपये तो उसे मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ उसे और एक्स्ट्रा अमाउंट 200 रुपये और दे दिया जाता है, क्योंकि वो ओटी कर रहा है, ओवर टाइम कर रहा है, ठीक है, तो ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट है इसे हम ओवरटाइम अलाउंसेस कहते हैं, इसे ही हम ओवरटाइम, क्योंकि यह तो वेजेज है, क्या है यह तो हमारी नॉर्मल वेजेज है, क्योंकि एक घंटे का 100 रुपया मिलता है तो 4 घंटे का यहां भी 400 रुपया मिलना चाहिए, ये तो नॉर्मल वेजेज है, ठीक है, लेकिन जो एक्स्ट्रा अमाउंट है ये क्या कहलाएगा, यह ओवरटाइम अलाउंसेस कहलाएगा. इसी तरह अगर हम बात करते हैं 10 पॉइंट की, कहा गया अदर अलाउंसेस लाइक फैमिली अलाउंसेस, प्रोजेक्ट अलाउंसेस, मैरिज अलाउंसेस, सिटी कंपनसेटरी अलाउंसेस, डिनर अलाउंसेस, टेलीफोन अलाउंसेस एक्सेट्रा, दिस आर फुली टैक्सेबल अलाउंसेस. ओके, अने क्या हुआ कि एक जो एम्प्लॉयर होता है अपने एम्प्लॉय को बहुत ढेर सारी सुविधाएं प्रोवाइड करता है, बहुत फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, यानी उसको मैरिज करने पर भी उसे अलाउंसेस का पेमेंट किया जा रहा है, मैरिज अलाउंसेस का भी पेमेंट किया जा रहा है, ठीक, एम्प्लॉयर के द्वारा अपने एम्प्लॉय को, यानी एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय का बहुत ख्याल रखता है. फैमिली अलाउंसेस भी दिया जा रहा है, उसकी फैमिली छोटी फैमिली है तो उसको फैमिली अलाउंसेस दिया जा रहा है, प्रोजेक्ट अलाउंसेस, डिनर का अलाउंसेस भी उसे दिया जा रहा है, टेलीफोन अलाउंसेस, ठीक है, ये सभी अलाउंसेस जो होते हैं फुली टैक्सेबल अलाउंसेस होते हैं. तो हम अपने वीडियो में यहीं तक डिस्कस करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अलाउंसेस नॉट फुली टैक्सेबल, यानी वह उस अलाउंसेस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि पार्टली टैक्सेबल होते हैं और पार्टली एग्जेम्प्टेड होते हैं. तो तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.